हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग नर्सरी आए हुए हैं और आज मैं आपको खाली गुलदाउदी या क्रिजेंथेमम्स दिखाऊंगी और ये सारे 80 रुपीस के हैं और तमाम रंग हैं इसमें और देख के आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। कलर बेशुमार और सारे कलर्स मैं आपके साथ दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ और आप घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं। और खाली 80 रुपीस का है ये, 80 रुपए में ये एक गमला है। दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे ये फुल फ्लावरिंग है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग है इसमें 80 रुपए में और ये लगा हुआ है और बस आपको लाके लगाना है और ये और 15-20 दिन आपके घर फ्लावरिंग करेंगे। और अगर आप ले लेते हैं कुछ ऐसे जिनमें बर्ड्स आई हुई हैं तो महीने भर तक इसका लुफ्त ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रंग हैं इनमें। येलो में भी बहुत सारे शेड्स हैं, ये देखिए इतनी रोशनी आई है, ये देखिए ये रंग की रोशनी है, इतना वाइब्रेंट कलर है ये और बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। बहुत फ्लावरिंग है इनमें, मगर ये है इसमें सारे खिले हुए हैं एकदम। कुछ आपको ऐसे भी गमले मिलेंगे जो खाली कलियों से भरे हुए हैं और ये इनमें फ्लावरिंग कुछ थोड़े दिन बाद होगी और कलर उनका ये एक इस तरह का पिंक होगा और एक ये, और भी बहुत कलर्स हैं इसमें। चलिए मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ क्या क्या कलर्स होते हैं। पिंक ये कलर है, येलो कलर है, वाइट है, पिंक के भी तमाम शेड्स हैं और ये देखिए ये भी एक बहुत ही वाइब्रेंट कलर है। तो कलर्स आपको बहुत मिलेंगे। ये एक पीच कलर है। कुछ गुलदाउदी होती है जो थोड़ी टॉल होती है और कुछ थोड़ी हाइब्रिड में होती है। ये थोड़ी टॉल वैरायटी है और गमलों में स्टेकिंग की भी है। मेरे को लगता है ये 80 रुपीज में बहुत ही बढ़िया आपके लिए चॉइस रहेगी और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए छोटे गमले हैं और ये 50 रुपीज में है और ये कितनी कलियां हैं इनमें, हर स्टेज पे आप ले सकते हैं इनको। और कलर्स आपके पास बहुत सारी चॉइस है। और अब इनमें देखिए, इनमें खाली कलियां ही कलियां हैं। कलियों वाला लेंगे तो बहुत दिन चलेंगे ये। आइए मैं अब अपने घर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ जो मैंने कटिंग से ग्रो कर रखे हैं गुलदाउदी, वो भी बहुत खूबसूरत हो रहे हैं और उनका अलग मजा है जब आप अपने हाथ से कटिंग से उगाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी ये खूबी होती है कि ये सारे प्लांट्स आप लेके जा सकते हैं और इनको कटिंग से ग्रो करके अगले साल एक बार ले जाएं और ये सारी जिंदगी आपके साथ ये रहते हैं। इजीली आप इनको सेव कर सकते हैं अगले साल के लिए। तो ये कुछ प्लांट्स हैं क्रिजेंथेमम के जो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर वाले गार्डन में लेके आई हूँ क्योंकि इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और इनको शेड में रख दिया है मैंने और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सारे प्लांट्स। अभी और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं टेरेस में, अभी उनमें कलियाँ आई हुई हैं मगर अभी फ्लावरिंग उनमें शुरू नहीं हुई है। जब उनमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी उनको भी मैं नीचे ऐसे ही लेके आ जाऊँगी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।